विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के नेता व समर्थक आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित प्रत्याशी कहे जाने वाले ठाकुर रामवीर सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे। खास बात ये थी कि भाजपा नेता के साथ जो समर्थक आए थे उसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, जो पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। उनके हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखे प्ले कार्ड देखे गए। उनका आरोप है कि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन को गुमराह करके कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उनके समर्थक हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे। किसी पर लिखा था कि मैं जिंदा हूँ, मेरा नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है, तो किसी प्ले कार्ड पर यह लिखा हुआ था कि मैं अविवाहित हूँ और मुझे विवाहित दर्शाकर मेरा नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। इन आरोपों पर आधारित एक ज्ञापन भी पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान द्वारा जिलाधिकारी को पेश किया गया था। भाजपा नेता द्वारा मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी को संबोधित संयुक्त ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि निर्वाचन नामावली 2024 उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र 29 कुंदरकी विधानसभा में बेहद त्रुटियां हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके नाम मतदाता सूची में दो जगह दर्ज हैं और फोटो अलग हैं, जबकि मतदाता सूची का प्रकाशन फोटो युक्त हो रहा है, तो किस तरह एक ही व्यक्ति के नाम मतदाता सूची में दो जगह दर्ज किए गए हैं और फोटो अलग अलग हैं। भाजपा नेता ठाकुर रामवीर सिंह का कहना था कि पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान और उनके समर्थकों ने अभी कुछ दिन पूर्व प्रदर्शन के दौरान मतदाता सूची को लेकर जो गंभीर आरोप शासन और प्रशासन पर लगाए हैं वे सरासर गलत हैं। जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर नाम नहीं काटे गए हैं और ना ही अविवाहित को विवाहित दिखाकर उनके नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। ये सब एक षड्यंत्र के तहत प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है और बीएलओ पर दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठ पर आधारित प्रदर्शन किया गया है। हाजी रिजवान पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शासन व प्रशासन को बदनाम करने, समाज में गलत संदेश देने के लिए एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत जो आरोप लगाए हैं, जिनकी गहन जांच के साथ साथ पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जाए और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। जिला प्रशासन को मतदाता सूची के वह पृष्ठ भी उपलब्ध कराए गए जिनमें एक व्यक्ति के नाम दो दो जगह दर्ज है और फोटो अलग है। प्रशासन से हाजी रिजवान द्वारा लगाए गए आरोपों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर कठोर कार्यवाही की मांग उठाई गई। प्रदर्शन में शमशाद अली, रहमत अली, रिजवान अली, इफ्तिखार हुसैन, सफदर अली, इरफान अली, आशकार हुसैन, डॉक्टर जावेद एवं रोज अली सहित भारी संख्या में मुस्लिम मतदाता मौजूद रहे। दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला आज से 4-5 दिन पहले कि रिजवान मियां जो पूर्व विधायक है कुंदरकी के, उन्होंने कुछ तख्तियां लगाकर यहाँ ज्ञापन देने का काम किया और उसमें था तख्तियों पर लिखा हुआ कि मैं जिंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया गया है। ऐसी बहुत सारी तख्तियाँ थी कि मैं अविवाहित हूँ और मेरा वोट काट दिया गया है। आज हमारे मुस्लिम समाज के हजारों हजारों भाई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, सक्रिय सदस्य भी हैं, प्राइमरी सदस्य भी हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं और जो है आपके शक्तिकांत प्रमुख भी हैं और बूथ अध्यक्ष भी हैं, जब उन्होंने वो प्रिंट मीडिया को पढ़ा, अखबारों को, सोशल मीडिया को देखा और टीवी के माध्यम से पता चला, तो वो सब लोग आए कि साहब ये केवल जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे हिंदू और मुसलमान की खाई कटे, खाई खुदे और हम आसानी से MLA बन जाए। हमने कहा भाई ठीक है, आप जैसा उचित चाहते हो वैसा करिए। तो लोगों ने अपने ज्ञापन तैयार किए, अपने गांव-गांव की रिपोर्ट दी है। इसमें खास वजह जो है वो ये है कि उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि शकील एक नाम है एक व्यक्ति का, शकील या एक व्यक्ति का ओवैस नाम है, तो ओवैस के नाम का भी वोट है डोमघर के अंदर और उसी का फोटो लगा हुआ है और नासिर नाम से भी वोट है। जो भुल्लन मियाँ खड़े थे, रिजवान मियाँ के वालिद साहब, 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हो गए हैं वो, और जो 80 साल 90 साल का व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का या जाति का है, वो झूठ बोलना नहीं चाहता, वो गलत काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उस जमाने में लोग ईमानदार हुआ करते थे। आज अलग विषय है कि तरह तरह की पार्टियां खड़ी हो गई हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, झूठे सच्चे आरोप भी लगाते हैं, लेकिन आप देखिए कि पूर्व विधायक ने, पूर्व
पूर्व एमएलए ने अपने अब्बा जान को भुल्लन मियां को भी तख्ती लेके खड़ा कर दिया कि मैं जिंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया गया। वो अपनी इच्छा से कभी नहीं आए, मैंने कभी कलेक्ट्रेट पे या किसी जलसे में उन्हें नहीं देखा। वो उनका पुत्र उन्हें लाया और उन्हें झंडी दे दी, छोटी झंडी तख्ती दे दी और उनसे झूठ बुलवाने का भी काम उनके पुत्र ने किया। जो आदमी अपने 80-82 साल के पिता से झूठ बुलवा सकता है, वो नौजवानों को भड़काने का भी काम कर सकता है और नौजवानों को गुमराह करने का भी काम कर सकता है। और जो जो है किसी भी धार्मिक स्थल को रात में, दिन में, अंधेरे में, सुबह में कहीं क्षतिग्रस्त करने का भी काम कर सकता है। हमें इससे भी सक्रिय रहना है और पुलिस प्रशासन को भी सक्रिय रहने की ज़रूरत है कि वो कोई भी, अब यहाँ की मुस्लिम आवाम ने यह तय कर दिया है कि इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री होनी निश्चित है। ठाकुर रामबीर सिंह ठाकुर रामबीर सिंह भारतीय जनता पार्टी ये आप देखिए उबैस और नासिर एक फोटो है और वो डबल है। ये भुल्लन मियाँ पुत्र छुट्टन मियाँ रिजवान मियाँ के ये हैं, तो अब्बा जिंदा है लेकिन गलत सूचना दी गई। हमारी मांग ये है कि एक तो हर गांव में जो बीएलओ को धमकाया जा रहा है, बीएलओ को ये बताया जा रहा है कि बीएलओ अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम तुम्हें ठीक से नौकरी नहीं करने देंगे, इधर से उधर तुम्हारे ट्रांसफर करा देंगे, ये बीएलओ को कहा जा रहा है। तो इसकी बिंदुवार, ग्राम पंचायत वार, बूथ वार बीएलओ की मीटिंग करने के बाद एक जांच होनी चाहिए और उस जांच में जिन लोगों के मोहतरमा, ये मोहतरमा है आप देखिए, इनके दो फोटो एक है और वोट दो हैं, दो वोट फोटो एक, ऐसा हर गांव में हर बूथ पर है। ये पुलिस प्रशासन जो है इस तरह का काम करे, जांच करे, चुनाव आयोग इसमें जांच कराए और इन सभी मतदाताओं को काटे और जो नहीं कटवाते हैं और जो अवरोधक हैं उनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई करने का भी हम मांग करते हैं कि सख्त धाराओं में कार्रवाई करें।